नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। श्रीमान जिलाधीश दतिया रोहित सिंह के निर्देश में एसडीएम सेवड़ा अनुराग सिंहवाल ने के मार्गदर्शन में आज इंदरगढ़ तहसीलदार सुनील वर्मा के नेतृत्व में शीतला माता मेन बाजार में रोको टोको अभियान के तहत बगैर मास्क लगाए वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में लगभग 25 बाइक सवारों के काटे गए चालान और सभी वाहन चालकों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। तहसीलदार सुनील वर्मा के अनुसार बगैर मास्क लगाए वाहन चालकों और दुकानदारों पर रोको टोको अभियान के तहत लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है और आगे निरंतर चलती रहेगी। तहसीलदार सुनील वर्मा द्वारा राहगीरों और बाइक सवारों को मास्क लगाने की हिदायत दी गई, जिससे कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। आज की इस चालानी कार्रवाई में तहसीलदार सुनील वर्मा के साथ इंदरगढ़ सीएमओ आशुतोष त्रिपाठी, नायब तहसीलदार सुनील भदौरिया, अमित सहनी, यशपाल राव, रजनीश कुशवाहा, सोनू चौरसिया, सफाई दरोगा धर्मेंद्र छोटू परिहार, पुलिस आरक्षक संतोष कुशवाहा, ब्रजराज सिंह तोमर, रामनिवास रामबाबू खरे आदि नगर पंचायत का अमला उपस्थित था। संवाददाता अंकित जैन की रिपोर्ट। सर, क्या कार्रवाई हो रही थी सर आज? शासन के ऐसे निर्देश हैं कि रोको टोको अभियान और जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उन लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। लगभग 100 रुपये का उनका चालान काटा जा रहा है और उनको निःशुल्क मास्क जो है वितरित किए जा रहे हैं, ताकि जनता में जागरूकता आए और कोरोना का जो प्रसार हो रहा है हमारी लापरवाही की वजह से उसको रोका जा सके। तो सर आज कितने चालान काटे गए? लगभग 25 चालान हो गए हैं और अभी देखिए अभी चल रही है। हाँ, कार्रवाई चल रही है। तो सर ये अभियान लगातार चलता रहेगा? हाँ, कल भी चला था, आज भी चलेगा और लगभग रोज कुछ समय के लिए चलाएगा।